किसान आंदोलन की चर्चा एक बार फिर से सुर्खियों में है। वजह है ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी का हालिया इंटरव्यू। 2020 में शुरू हुआ किसान आंदोलन 2021 में जाकर खत्म हुआ, लेकिन इसको लेकर आज भी राजनीति कम नहीं हुई है। एक बार फिर से किसानों के आंदोलन पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी का एक इंटरव्यू तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर भारत की राजनीति में उठापटक देखने को मिल रही है। हालांकि भारत सरकार ने ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि डॉर्सी सरासर झूठ बोल रहे हैं। क्या है पूरा मामला? डॉर्सी ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार ने कंपनी पर कुछ अकाउंट्स को ब्लॉक करने का दबाव डाला था। इन अकाउंट से सरकार की आलोचना हो रही थी। डॉर्सी का दावा है कि सरकार ने ट्विटर इंडिया के दफ्तर छापेमारी और उसके कर्मचारियों को गिरफ्तार करने की धमकी भी दी थी। जब इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरना शुरू किया, तो इन दावों पर केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट किया। डॉर्सी के माथा ट्विटर और उनकी टीम लगातार भारतीय कानूनों का उल्लंघन कर रही है। 2020 से लेकर 2022 तक कई बार नियम तोड़े गए। डॉर्सी के ट्विटर को भारतीय कानून की संप्रभुता स्वीकारने में दिक्कत हो रही थी। बता दें कि डॉर्सी ने 2021 में ट्विटर सीईओ के पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद ट्विटर को एलन मस्क ने खरीद लिया था। जैक डॉर्सी ने क्या आरोप लगाए? YouTube शो बेकिंग पॉइंट्स विद क्रिस्टल एंड सागर में डॉर्सी ने कहा, किसान आंदोलन के आसपास भारत से कई रिक्वेस्ट आई, खासतौर से उन पत्रकारों को लेकर जो सरकार को लेकर आलोचनात्मक थे, और ऐसा कहा गया कि भारत में ट्विटर को बंद कर देंगे, हम आपके कर्मचारियों के घर पर रेड करेंगे, बात नहीं मानी तो आपके ऑफिस बंद करवा देंगे, और ये भारत की बात है, एक लोकतांत्रिक देश की। 2020 में कृषि कानूनों के खिलाफ हुआ था किसान आंदोलन। तीन कृषि कानूनों के विरोध में शुरू हुआ किसान आंदोलन 378वें दिन खत्म हुआ। इतने लंबे चले आंदोलन में कई उतार चढ़ाव आए। सरकार से आधिकारिक पत्र मिलने पर संयुक्त किसान मोर्चा की सरकार से सहमति बनी। आपको बता दें कि इस आंदोलन में 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान गंवाई।